सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द गेयरलेस हरियाणा। तो दोस्तों, आज की व्लॉग के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक माइक्रोफोन, क्योंकि सभी यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स के लिए चाहिए होता है एक माइक, जिससे हमारी वीडियो के साथ साथ हमारी ऑडियो भी अच्छी आ सके। क्योंकि तभी हमारे सब्सक्राइबर वॉच टाइम बढ़ता है जब हमारी वीडियो में दम होता है, और वीडियो में दम होने के लिए हमारे पास वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, और हमारे पास एक ऑडियो के लिए यानी कि माइक भी अच्छा होना चाहिए। तो हमने एक माइक परचेज किया है हमारे लिए, तो वो माइक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस, ये देखिए, हमने लिया है एक नया माइक, ठीक है। तो ये है बोया का BY-M1 माइक। तो ये माइक हमने मंगवाया, तो काफी वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर, तो सब लोग मनोज दे हैं या फिर टेक्निकल योगी वगैरह, यानी कि इस प्रकार का माइक यूज करते थे। तो यही जो माइक है ना, ये सब तो यही हमने मंगा लिया है। तो इसका प्राइस वगैरह सब बताऊंगा, इस बॉक्स के साथ आपको क्या मिलता है। तो गाइस, सबसे पहले इस बॉक्स को ओपनिंग करते हैं। अब जैसे आप इस बॉक्स को ओपन करते हैं, आपको मिलती है एक पाउच मिलता है। इस पाउच के अंदर शायद हमारा माइक होगा, और उसके अलावा हमें मिलती है एक गाइडलाइन बुक। तो इस गाइडलाइन बुक के अंदर इसकी माइक से रिलेटेड सारी चीजें लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गाइज, हमें मिलता है इसके साथ एक ये पाउच भी। इस पाउच में देखते हैं क्या क्या है। तो गाइज, इस पाउच में एक मिलता है सेल, हमें छोटे वाला सेल, क्योंकि ये सेल भी माइक के अंदर डलता है, तो इसको साइड रख देते हैं इस सेल को। और साथ में हमें मिलता है एक ये अलग से लगाने के लिए, यानी कि अगर PC वगैरह में या कहीं पे एम्पलीफायर वगैरह के अंदर लगाना पड़े तो हम लगा सकते हैं इस माइक को, तो ये भी सुविधा इसके अंदर होती है। तो गाइस, अब हम खोलते हैं अपना पाउच। तो इस पाउच को हम लोग ऐसे खोलेंगे, और इसके अंदर से हम हमारी, तो गाइस ये देखिए, जैसे कि बोया वाले कहते हैं या बाकी सबने भी कहा था कि इसकी जो वायर होती है ना, वो बहुत लंबी होती है। तो आप देख सकते हैं इसकी वायर कितनी लंबी है। तो ये देखिए दोस्तों, वायर पूरी लंबी है इसकी, यहाँ पे बांध रखा है नोट से। तो इसके साथ साथ एक और चीज है शायद इसके अंदर, हाँ, तो इसके अंदर हमें गाइज एक ये मिलता है, ये माइक के ऊपर लग जाता है। तो ये यहाँ पे लगाया जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे फिट हो जाएगा ये इसके ऊपर। तो ये गाइज देखो, हमने यहाँ पे माइक से फिट कर लिया है, ठीक है, इसको यहाँ पे फिट कर लिया। अब बारी है इसके अंदर, तो सेल डालने के अंदर आपको जो ये जो इसको ऐसे धीरे से घुमा देंगे, आपको एक सेल इसके अंदर ही मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमें एक सेल डालना होगा, ये सेल डालने की जगह है। तो जहाँ पे स्प्रिंग है वहां पे ये वाला पार्ट रहेगा नीचे, जो कि मान लो थोड़ा डिजाइन से का है। तो हम लोग यहाँ पे इसके अंदर सेल डाल देते हैं, सेल डालकर इसको दोबारा से ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए, इसको बंद कर दिया सेल डालने के बाद। और गाइस, यहाँ पर ना दो बटन दिए होते हैं, अगर आप इसे ऊपर की तरफ, कैमरे के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, इसके ये फायदे होते हैं, कैमरे के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर आपको स्मार्टफोन में डालना है तो आप इसे नीचे की तरफ कर दीजिए, ये स्मार्टफोन का ऑप्शन है, तो स्मार्टफोन का ऑप्शन भी चल पड़ेगा। तो गाइज, अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, वो आवाज सुन रहे हैं आप लोग डायरेक्ट, यानी कि फोन के माइक से, जो मेरा Redmi 9 Pro है, तो इसके माइक से सुन रहे हैं। तब हम इस माइक को कनेक्ट करते हैं इस फोन के साथ, और फिर आप लोग देखिएगा कि इस माइक को लगाने से आवाज में क्या फर्क आया, और नॉर्मल जो हमारी आवाज थी वो कैसे फर्क करती है। तो गाइज, ये माइक हम पहन लेते हैं। तो ये माइक हमने यहाँ पे पहन लिया, ठीक है। उसके बाद इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं इसको खोल के। तो इस वायर को मैं माइक के अंदर कनेक्ट कर लेता हूं, और अगली आवाज आपकी जो आएगी वो आएगी मेरे माइक से। तो दोस्तों, माइक हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है, जो मेरे बोलने की रफ्तार थी या जो भी थी वो पहले जैसी है। बस पहले हम जो है मोबाइल के माइक से यूज कर रहे थे, जो नॉर्मली हमें मिलता है, और अब हम जो माइक यूज कर रहे हैं वो हम बोया का BY-M1 माइक यूज कर रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि माइक से आवाज की क्लैरिटी कैसी है, और जो नॉर्मल फोन से हम लोग माइक यूज करते हैं उसकी आवाज कैसी है। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को दोनों माइक मतलब कि कैसे फर्क महसूस हुआ, कि फोन का माइक ज्यादा सही है या फिर ये वाला माइक ज्यादा सही है। तो गाइस, इसकी जो लिंक है, इसकी जो माइक की लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से ये माइक मंगवा सकते हैं। तो आप भी ये माइक मंगवा लेना अगर आपको इसकी क्वालिटी पसंद आती है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी वॉइस जो नॉइस होती है हमारी जो ऑडियो के अंदर, वो भी थोड़ी बहुत रिड्यूस कर देता है ये। तो गाइस, अभी आप लोग बस आवाज सुन ही रहे, ये सारी की सारी आवाज माइक से ही आ रही है। तो आपको अगर ये पसंद आ जाए माइक, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगी उससे मंगवा सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए ब्लॉग में इतना ही था, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस, ये माइक की टेस्टिंग हो चुकी है, तो अगर आपको यानी कि अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।